महादेव आपकी भक्ति की डोर से बंधा हूं, इसलिए आपके पुत्र को बंदी बनाकर स्वर्ग लोक के कारागृह में तो रख नहीं सकता था, परंतु इस उत्तंडी को इसके किए का दंड भी तो देना था, इसलिए मैं यही चला आया आपके पास न्याय की गुहार लगाने। सैनिको खोल दो कार्तिकेय को। महादेव आप इस संसार में न्याय और रीत का पर्याय, थोड़ा ज्ञान अपने इस पुत्र को भी दीजिए ना, इसे समझाइए, इसे आपका इतिहास बताइए कि कैसे प्रजापति दक्ष की अनुमति के बिना आप भी देवी सती से विवाह नहीं कर सकते थे। संसार का हर पिता अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहता है, मैं भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य वर चाहता हूँ, परंतु मेरी दृष्टि में शिव एक योग्य वर नहीं है। मैं केवल उद्देश्य से आता हूँ, परंतु मेरा प्रेम कर्तव्य से बंधा हुआ है, और उद्देश्य एक पिता का अपमान तो कभी नहीं हो सकता। मैं ना देवी की इच्छा के बिना आप देवी पार्वती को भी अपना नहीं सकते थे। विवाह के पूर्व जब पुत्री अपने ससुराल और वर को लेकर सुंदर सपने सजाती है ना, तो उसका तात्पर्य है कि विवाह उचित स्थान पर हो रहा है। माता पिता तो यही चाहते हैं कि उनकी पुत्री सदा सुखी रहे। अब कार्तिकेय कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, देवसेना से विवाह की कितनी भी प्रबल इच्छा क्यों ना रख ले, परंतु मैं देवसेना का पिता इनके विवाह के लिए कभी स्वीकृति नहीं दूंगा, स्वीकृति नहीं दूंगा, स्वीकृति नहीं दूंगा। प्रजापति दक्ष और मैना देवी जैसा बनना चाहते हैं देवराज? और प्रजापति दक्ष का अंत देखने के बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं? देखा आपने महादेव, इस समय सृष्टि का दिव्यतम तेज मेरे समक्ष है, ये सब कुछ जानने के पश्चात भी आपका पक्ष ले रहे हैं, न्याय का नहीं। क्यों? क्योंकि आप देवों के देव हैं, महादेव हैं, परंतु देवराज इंद्र के वचन अटल हैं, अटल हैं। मैं देवसेना और कार्तिकेय के विवाह के लिए कभी स्वीकृति नहीं दूंगा, किंतु मैं देवसेना से विवाह करके ही रहूंगा, देवसेना से विवाह करके ही रहूंगा, देवसेना से विवाह करके ही रहूंगा, देवसेना से विवाह करके ही रहूंगा। कार्तिकेय शांत हो जाओ पुत्र। सुना कार्तिकेय, माता ने क्या कहा? शांत हो जाओ। धन्यवाद माता, अपने पुत्र को अनुशासित करने के लिए।
किंतु कार्तिकेय आपकी पुत्री को अपना बना कर ही रहेगा। कार्तिकेय, कार्तिकेय, कार्तिकेय! अपने अभिमान की ज्वाला से किसी और के सम्मान को भस्म मत करो। यदि तुम्हारा प्रेम प्रबल है तो जाओ देव राजेंद्र को मनाओ और फिर विवाह करो। जाओ पुत्र। महादेव, हम सब मनाएंगे इंद्रदेव को। मेरे पुत्र की इच्छा पूर्ति के लिए किसी पिता के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अपनी पुत्री के भविष्य का निर्णय केवल और केवल इंद्रदेव के हाथों में होना चाहिए। बिना किसी भय के, बिना किसी विवशता के। जी जी प्रभु। कुमार कार्तिकेय, बस आप केवल महादेव पर विश्वास रखिए। समय आने पर वो सब शुभ कर देते हैं। संसार का करते होंगे, मेरा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कुमार, मेरी तो मृत्यु टाली है महादेव ने। अब आप ही बताइए, इससे कठिन कार्य कोई हो सकता है? इसलिए कह रहा हूं, महादेव और माता पार्वती से अधिक प्रेम का ज्ञान किसी को नहीं है। वो आपका प्रेम समझकर उचित निर्णय अवश्य लेंगे। बस आप केवल उन पर विश्वास रखिए। नंदी, तुम्हारी बैल बुद्धि में ये बात समझ नहीं आएगी कि महादेव और माँ भले ही अपना प्रेम समझते हो किंतु दूसरे के भाव से सदैव अनभिज्ञ रहते हैं। सदैव अनभिज्ञ रहते हैं। सदैव अनभिज्ञ रहते हैं। अन्यथा आज जब देवराज आए थे तब महादेव मौन क्यों थे? क्यों नहीं समझाया उन्हें? क्यों नहीं मनाया? और फिर भी इंद्रदेव अपनी हट नहीं छोड़ते तो उनका हाथ पकड़कर उन्हें लाचार ही कर देते। महादेव, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? महादेव बताइए ना, कहीं आप स्वयं ही तो मुझे देवराज के कारागृह में तो नहीं लेकर जा रहे? महादेव, उत्तर दीजिए। माता, माता, महादेव कुमार कार्तिकेय का हाथ पकड़कर न जाने कहां ले गए। क्यों
क्रोध में आकर कार्तिकेय कहीं विवाद ना करे, महादेव के साथ युद्ध ना छेड़ दे। मुझे रोकना होगा उसे। नंदी, मुझे इसी क्षण महादेव के पास ले चलो। जी माता, चलिए। नारायण, इस अप्रिय घटना को रोकने का प्रयास तो हमें भी करना चाहिए प्रभु। ये संकेत शुभ नहीं है। कहीं पिता और पुत्र के बीच कुछ अनिष्ट ना हो जाए। महादेव उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए महादेव, आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? महादेव, कार्तिकेय को एकांत में लेकर गए हैं, इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई उद्देश्य होगा, जो इस संसार में सभी के आदर्श हैं, वो आज पिता के रूप में भी आदर्श बन जाएंगे। इसलिए हमें यहीं रुक के इस लीला का आनंद लेना चाहिए। जी प्रभु। महादेव बताइए कहां लेकर जा रहे हैं आप मुझे? कार्तिकेय, इस स्थान से पूरी पृथ्वी दिखाई देती है, सृष्टि का कण कण दिखाई देता है, और उन सभी कणों में पुत्र एक रत्न के समान है। पिता चाहे साधारण हो या स्वयं शिव, पुत्र की उपलब्धियों पर, उसके सुकर्मों पर पिता का सीना चौड़ा हो ही जाता है, उसी पुत्र के कुकर्मों पर उसी पिता की आंखें लज्जा से झुक जाती है, लज्जा से झुक जाती है, लज्जा से झुक जाती है। प्रेम अनुचित नहीं है पुत्र, केवल उसे पाने का मार्ग अनुचित है। यदि देवराज इंद्र सज्ज नहीं है तो प्रतीक्षा करो। आज मेरे मौन का कारण केवल तुम्हारी अधीरता थी। जानते हो, आज जब देवराज इंद्र कैलाश आए, तुम्हें पुकारा, तब उनकी ध्वनि ऊंची थी ताकि वो सभी गणों को सुना सके। बंदी बने शिवपुत्र कार्तिकेय को लेके आओ कहा, केवल मुझे लज्जित करने के लिए। शिव पुत्र कार्तिकेय को यहां प्रस्तुत करो। इंद्रदेव की मंशा केवल तुम्हारे हाथ में अस्त्र थमाकर मुझ पर प्रहार करने की थी। स्थिति चाहे जैसी भी हो, एक पुत्र को अपने पिता पर प्रहार कभी नहीं करना चाहिए। और ये बात इस संसार के हर पुत्र को समझनी चाहिए, हर पुत्र को समझनी चाहिए, हर पुत्र को समझनी चाहिए। प्रेम को मापे पुत्र का दुख शिव मन को व्यापे।
सहज नहीं है। शिव का जीवन सरल नहीं है। डम डमाडम डमरुधारी शिव शिवम पुत्र कार्तिकेय को स्नेह कर रहे अपनी संवेदना देखे सारी वेदना कार्तिकेय के मन की दूर कर रहे जो संतान के अश्रुओं को पोंछते सारे दुख मिटाते वो ही है पिता। पुत्र मन की पीड़ा तीव्र बिन कहे समझते शिव ऐसे आशुतोष है शिव पिता। शनिदेव कुछ कीजिए, रोकिए पिता और पुत्र के इस मिलन को, अन्यथा जिस प्रकार महादेव के समीप रहने से पार्वती पर अपस्मरा की शक्तियों का असर कम हो जाता था, कहीं उसी प्रकार महादेव के आलिंगन से कार्तिकेय पर आपकी वक्र दृष्टि का प्रकोप हट गया तो। अपस्मरा की काट संभव है, किंतु शनि की वक्र दृष्टि की काट असंभव। पुनः सचेत कर रहा हूं शनिदेव, महादेव से शत्रुता के परिणाम घोर होंगे। परिणाम की चिंता शक्तिहीन करते हैं। महाबली शनिदेव को किसकी चिंता, कैसा भय? उचित कहा असुर माता, शिव के विरुद्ध साक्षात शनि खड़े, साक्षात शनि खड़े। क्या शनिदेव, आपके प्रभाव के बाद भी कार्तिकेय ने महादेव कालिंगन नहीं छोड़ा। इसका अर्थ है कि शनि के प्रभाव से प्रबल शिव का प्रभाव है, शिव का प्रभाव है, शिव का प्रभाव है।
हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन सीधा सरल और सुलझा हुआ हो, किंतु जो सरलता से बीत जाए वो जीवन ही क्या। बाधाएं वो तो ईश्वर को भी सहनी पड़ी, समस्याओं से तो शिव को भी जूझना पड़ा। जीवन के सुलझनों के अमृत की लालसा है तो उलझनों का विष तो पीना ही पड़ेगा। निखरने के सुख का आनंद लेना चाहते हैं तो बिखरने का दुख भोगना ही पड़ेगा।